हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कुछ इस तरह का राउंड शेप वाला थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी बड़ी इजीली से। दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी से इजी तरीका बताने वाला हूं। इससे आसान तरीका राउंड शेप थंबनेल बनाने का कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले करना क्या, कि जो सबसे पहली मेन बात है कि आपको अपने फोन के अंदर पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड करके रखना है। आई होप आपके फोन में ये एप्लीकेशन अवेलेबल होगा। और इसके अलावा आपने अपना एक थंबनेल क्रिएट कर लेना। आप ध्यान रहे कि आपने जो बिना राउंड शेप वाला वैसे ही थंबनेल क्रिएट करके लिखना, और इसमें तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना और यहाँ पे आपको थंबनेल वाला साइज ऐड कर देना। अब आपको करना क्या कि जो यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पे आपको यहाँ से जो कि उसका वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको प्लस पे आइकन क्लिक करना और शेप वाले ऑप्शन पर चले जाना। और जो इसका ना ये चोर्स वाला शेप लेंगे, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। इसका साइज है वो हम इसका पूरा पूरा कर देंगे, जो कि ये वाइट वाला उसके अंदर अंदर ऐड हो जाए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना, मुझे ही फॉलो करना बिल्कुल ही। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा घुमाना। जितना जितना ज़्यादा आप रोटेट करोगे उतने ज़्यादा आपका राउंड शेप वाला थंबनेल होगा। आप इसको अपने मतलब कि अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर दे सकते हो, मैं इतना कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों इसको मैं बिल्कुल ही बीच में कर लूँगा, जो ये ब्लैक वाला यहाँ से ऐसे। अब दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से पूरी HD क्वालिटी के अंदर सेव कर लेना। ये किया हमने सेव, तो उसके आगे वो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे चले जाना। चले जाने के बाद दोस्तों आपको वो वाला थंबनेल यहाँ पे ऐड कर लेना, जिसकी आप शेप राउंड शेप करना चाहते हो। इसके साइज का करने के बाद यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी। अब हमें यहाँ पे वो वाली इमेज ऐड करनी है जो हमने कुछ समय पहले बनाई थी, जो कि HD क्वालिटी के अंदर हमने ऐड की थी। आपको याद होगा ये वाली हमारी वो शेप थी। इसको भी हम इतने जितना कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे कि आपका हो सके ऐसा ना है, इसके ऊपर एक बार फिर से टाइप करना, और जो बीच में सेटिंग जैसा नीचे आइकन दिख रहा है उस पर टाइप करके थोड़ा स्क्रॉल करना। करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा एरोज कलर वाला, इस पर टाइप करके इसको ऑन कर देना। करने के बाद जो माइक वाला निशाना जो पेल्सिन जैसा सा, उस पर टाइप करके ये ब्लैक वाला इसके ऊपर टाइप कर देंगे। जो ये हमारा राउंड सा ना ब्लैक वाले पर होना चाहिए। होने के बाद इसके ऊपर टिक कर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों फिर से टिक कर देंगे, जो कि हमारा ये थंबनेल राउंड शेप हो गया। इसे आप फिर से HD क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको अपने फोटोज वाले ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ कि ये थंबनेल हमारा सक्सेसफुली राउंड शेप हुआ है या फिर नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा जो थंबनेल है सक्सेसफुली राउंड शेप हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको राउंड शेप वाला थंबनेल बनाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।